टीवी सीरियल अनुपमा में आए बदलावों को लेकर फैंस काफी ज्यादा बोर होने लगे हैं। इस समय सीरियल में अनुपमा और अनुज कपाड़िया के रिश्तों में दूरियां दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर अब अनुज माया की तरफ आकर्षित हो रहा है। इसके अलावा अनुज अनुपमा को इग्नोर करता और कभी कभार उस पर अपना हक जताने लगता है। सीरियल में आए इसी बदलाव को लेकर फैंस खुश नहीं हैं। फैंस का मानना है कि अनुपमा और अनुज के खराब संबंधों को देखकर वे अब बोर हो रहे हैं और यदि मेकर्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो वो शो को देखना बंद कर सकते हैं। इसी को लेकर फैंस ने ट्वीट पर कई ट्वीट्स भी किए हैं। एक फैन ने शो के मेकर्स को चेतावनी देते हुए ट्वीट किया है कि डियर मेकर्स और एक्टर्स, सीरियल बदल गए, इस ट्रैक से काफी नेगेटिविटी आ गई है। कृपया ध्यान दें, आपने हमेशा अपने फैंस के ओपिनियन पर विचार किया है। आप उन्हें एक डिजिटल परिवार कहते हैं, आशा है कि आप उन्हें खोना नहीं चाहेंगे। शो में कुछ पॉजिटिविटी चाहते हैं। वहीं एक दूसरे फैन ने भी इसी प्रकार का ट्वीट करते हुए इस शो के प्रोडक्शन हाउस DKP को लिखा है कि ये सब क्या हो गया, यही देखना बाकी रह गया था। क्या वजह है जो इसे जस्टिफाई करेगी? माया की चाल को अनुज क्यों नहीं समझ पा रहा है? तुम ठीक तो हो ना अनु से, तुम ठीक तो हो ना माया, ये सच में काफी दुखदाई है, क्या कर दिया। इसके अलावा एक और फैन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अनुपमा मेकर्स, क्या आपको लगता है कि हमें यह प्यारा नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि यह प्यारा लगने के बजाय मुझे यह घृणित लगता है, क्योंकि वह उसका पति है। यह उसे मजबूर करने का अधिकार नहीं देता। अगर कोई कहता है कि नहीं तो यह स्पष्ट नहीं है कि वह व्यक्ति कोई भी है, आप उसे क्यों नहीं दिखा सकते। अब देखते हैं कि मेकर्स अपने फैंस की बातों को सुनते हैं या नहीं, और सीरियल में फिर से अनुज अनुपमा को साथ में दिखाते हैं या नहीं। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।